दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लें सभी। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। जिन भक्तों की अर्जी नहीं लग पाई, पर्चा नहीं बन पाया, वो निराश ना हो, परेशान ना हो, यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है। अगर आप इस उपाय को करेंगे, लहसुन प्याज बंद रखेंगे, मांस मंदरा बंद रखेंगे, मंगल अथवा शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, तो आपके रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा और आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराएं। ओम ओम ओम। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो और बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो सने सने बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो और इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से पर्चा बने या ना बने, आप हमसे मिल पाओ या ना मिल पाओ, पर सदगुरु सन्यासी बाबा माता पीताम्बरा और बागेश्वर बालाजी की कृपा से लाभ मिलने लगेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। आज नहीं तो कल तुम्हारी अर्जी लगेगी और ये वो दरबार है जब अर्जी लगनी होगी। आप तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। अब दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाओ, शरीर में जहां आपको दिक्कत बनी हुई है वहां पर स्पर्श करवाओ। अगर रोगी घर पर है तो रोगी का आप नाम ले सकते हो। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, गंगा मैया की।